इंडिया में आपने बहुत तरह के पोहे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं बांग्लादेशी पोहा। और इस पोहे के अंदर नमक भी डाला जाता है, चीनी भी, दूध भी डाला जाता है, दही भी, लेकिन स्वाद ऐसा होता है कि बांग्लादेश के लोग दीवाने हैं इसके। तो अगर आपको दुनिया का सबसे न्यारा पोहा देखना है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हम हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और यहाँ हम आपको मेकिंग दिखाएंगे दोई चीरा की, जो कि पोहे का बांग्लादेशी वर्जन है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, इन कटोरियों के अंदर पोहा लिया जा रहा है जो रात भर पानी में भिगो कर रखा हुआ है। और इस दोई चीरा को बनाने में जो पोहा इस्तेमाल किया जाता है वो पतले वाला पोहा होता है। तो पोहा लेने के बाद देखिए, जितनी भी कटोरियां हैं इन सभी के ऊपर नमक डाला जा रहा है। अच्छे से नमक डाल दिया गया है इनमें। और नमक डालने के बाद अब ली जा रही है चीनी। तो नमक के जस्ट बाद इसके ऊपर चीनी डाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर कटोरी के अंदर इन्होंने एक चम्मच भर के चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद अब लिए जा रहे हैं केले। केले को इन्होंने बीच में से छीला है, उसके बीच में लंबा कट लगा के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इन कटोरियों के अंदर डाले जा रहे हैं। और एक कटोरी में एक ही केला नहीं डाला जा रहा है, एक कटोरी के अंदर दो केले डाले जा रहे हैं इस तरीके से कट करके। अगर आप इंडियन हो तो पोहा आपने किसी ना किसी फॉर्म में जरूर खाया होगा, चाहे वो इंदौर वाला हल्की सी मिठास वाला पोहा हो या नागपुर वाला भयंकर मिर्ची वाला तर्री पोहा। लेकिन ये केले डाला हुआ पोहा ये मैं लाइफ में पहली बार ही देख रहा हूँ। और ये चीज आपको केवल और केवल बांग्लादेश में ही मिलेगी। तो अभी आप देखे जितनी भी यहाँ पे कटोरियां थी उन सभी के अंदर दो दो केले कट करके डाल दिए गए हैं। इनफैक्ट आखिरी वाली कटोरी में तो देखिए इन्होंने एक और केला काट दिया है, मतलब टोटल तीन केले काट दिए हैं। उसके बाद देखिए कटोरी ली है और अब इसके अंदर डाला जा रहा है रसगुल्ला। जी हाँ, पोहे के अंदर रसगुल्ला डाला है गाइस इन्होंने, ये चीज भी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। और उसके बाद इस प्लास्टिक की बाल्टी से इन्होंने एक लिक्विड निकाला है जिसे घोल बोलते हैं, वो घोल डाल दिया इन सभी कटोरियों के अंदर। और घोल डालने के बाद इसके ऊपर डाली जा रही है दही। ये भी नॉर्मल दही नहीं होती, अपनी मिष्टी दही होती है, तब जाके तैयार होता है। तो इस बांग्लादेशी पोहे के अंदर नमक भी डाला गया है, चीनी भी डाली गई है, रसगुल्ला भी डाला गया है, दही भी डाली गई है और दूध भी डाला गया है। आप सोच रहे होंगे कि दूध कब में डल गया है, बाकी चीज तो डलती हुई दिखी, दूध हमें डलता हुआ नहीं दिखा। गाइस वो जो लिक्विड डाला गया था जिसे घोल बोलते हैं वो दूध से ही बनाया जाता है। उसे बनाने के लिए दूध के अंदर ढेर सारा बर्फ और पानी मिला देते हैं ये लोग। तो उस घोल के डालने से ना केवल ये पोहा जो है ठंडा हो जाता है, बल्कि दही के साथ उस दूध के मिलने से टेस्ट भी इसका एक अलग ही प्रकार का आता है। अब इस तरीके से यहाँ पर जो एक प्लेट इस दही चीरा की तैयार होती है उसका प्राइस होता है 70 बांग्लादेशी टका, यानी कि लगभग 53 इंडियन रुपीस। मैं मानता हूँ कि हर जगह का अलग कल्चर होता है, यहाँ पर बांग्लादेश के लोग दूध और दही को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में हम बचपन से ही ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि दूध और दही को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें साथ में खाने से डाइजेशन से रिलेटेड आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तो खैर ये पोहा टेस्ट नहीं किया, बट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये डिश कैसी लगी। और क्या आप इस दूध, दही, नमक, चीनी, केला और रसगुल्ले के मिक्सचर वाले बांग्लादेशी वर्जन ऑफ पोहे को खाना चाहेंगे या नहीं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।